students of class 8 of krishna memorial high school welcome to our online class now today i will go to start a new chapter from life science the chapter name is biology and human welfare and chapter number is 4 and i also translate this chapter in hindi so listen it carefully let's start this chapter 4a immunity and human disease introduction concept of Immunity in our surrounding environment, life occurs uh, of microbes uh, like bacteria, viruses, protozoa, fungi, etc. Which when get into into human body, create one form of disease or others. These diseases creating microwaves are known as pathogens. To combat with these pathogenic microwaves, our body has developed so various protective devices which can be resolved into a term known as immunity. The science which deals with antigen antibody reaction and immunity is known as immunology. यहाँ पे बोला गया है कि हर एक दिन हम लोग देखते हैं कि लाखों टाइप आ, मतलब करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो हम लोगों के बॉडी में एंटर करते हैं किसी ना किसी थ्रू से वो हम लोगों के बॉडी में चले जाते हैं और वो हम लोगों के बॉडी में जा करके के एक डिस तैयार कर लेते हैं और छोटे छोटे माइक्रोब्स तैयार कर लेते हैं जिससे हम लोगों के फंक्शन में यूमिनिटी जो होता है आप लोगों ने सुना होगा यूमिनिटी बढ़ जाना यूमिनिटी कम जाता है तो वो जब माइक्रोवेब्स बनाते हैं डिशेस के थ्रू तो मतलब बैक्टीरिया वायरसेस जब माइक्रोवेब्स छोटे छोटे माइक्रोवेब्स बनाते हैं तो उसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कि यूमिनिटी का कम होना और यूमिनिटी का ज़्यादा होना और ये जितने भी है और यहाँ पे बोला गया है कि जो पैथोजेनिक्स है जब वो हम लोगों के बॉडी में बढ़ने लगते हैं और मतलब बढ़ करके हम लोगों के बॉडी में घुलने लगते हैं जैसे पानी में चीनी घुलता है वैसे जब माइक्रोब्स हम लोगों के बॉडी में घुलने लगते हैं मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग यूमिनिटी बोलते हैं साइंस uh, जो है वो इसका ऑपोजिट एक होता है ना जैसे बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरिया या मेडिसिन उसका एंटीडोड तो ऐसे जो भी चीज़ें होते हैं तो यूमिनिटी का भी एक एंटी यूमिनिटी यु, आता है एंटीबॉडी का तो वो जो है उसको हम लोग यूमिनोलॉजी बोलते हैं बिफोर वी डिस्कस एनी थिंग अबाउट इम्यूनिटी वी शुड नो देट वाट आर एंटीजन एंड एंटीबॉडी हम लोग यूमूनिटी पढ़ेंगे लेकिन इम्यूनिटी से पहले हम लोगों को एंटीजन और एंटीबॉडी को अच्छे से समझना पड़ेगा देने ही हम लोग इम्यूनिटी को समझ सकते हैं antigen any substance capable of causing an immune response specific antibody formation and specific t cells activation is known as antigen antigen is a generally protein but some polysaccharides may act as antigen एंटीजन क्या है एंटीजन वो चीज़ है कि जो हम लोगों के बॉडी में रहता है और धीर, मतलब वो एक छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है और उसका टी शेल उसको बोला जाता है जब उसका जो टी शेल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है तब जा कर के वो जो है वो एंटीजन को हम लोग एंटीजन बोलते हैं और ये एक टाइप का प्रोटीन होता है तो ये प्रोटीन जो है वो एंटीजन के हिसाब से एक्ट करता है मतलब हम लोगों के बॉडी में यूमिनिटी जो है उसको वो दिखाता है कि हम लोगों के बॉडी में यूमिनिटी पावर है एंटीबॉडी इट इज़ अ प्रोटीन ऑफ एन इमिनोग्लोबिन क्लास दिस प्रोटीन इज़ प्रोड्यूसड बाई प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन क्लास में हम लोग देखेंगे और वो जो है प्रोटीन एंटीबॉडी uh, का जो प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा सेल से निकलता है आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप थ्री टाइप्स के होते हैं वाइट सेल uh, uh, और रेड सेल और प्लाज्मा तो प्लाज्मा जो है उससे uh, ये प्रोड्यूस होते हैं ऑन एक्सपोजर टू एंटीजेन एंड विच स्पेंसियली रिकॉग्नाइज दैट एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय दि और यह क्या करता है कि जो एंटीजन ज़्यादा मात्रा में जब बनने लगता है तो एंटीबॉडी जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ख़त्म कर देता है जो ज़्यादा बनता है उसको ख़त्म कर देता है एनालसिस ऑफ ब्लड सीरम रिविल्ड दैट देयर आर इम्यूनोग्लोबिन आई जी इम्यूनोग्लोबिन को आईची से डिनोट किया जाता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा ग्लोबिन विच एक्ट एज एंटीबॉडीज तो यहाँ पे जो अल्फ़ा गामा एंड बीटा अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो है ग्लोबिन्स उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज

तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने 1964 में बोला था कि ये गामा जो है ये मेनली सबसे ज़्यादा ज़रूरी गामा ग्लोबिन है और इसी का नाम मेनली इन लोगों ने एंटीबॉडी रखा क्लासिफिकेशन ऑल एंटीबॉडीज़ आर इम्योग्लोबिन्स बट ऑल इम्योगलोबिन्स मे नॉट टू बी एंटीबॉडीज़ तो एंटीबॉडीज़ जो है सभी एंटीबॉडीज़ इम्योग्लोबिन होते हैं बट हर एक इम्योग्लोबिन एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि वाई ऑल एंटीबॉडीज़ आर इम्योगलोबिन बट ऑल इम्योगलोबिन मे नॉट बी एंटीबॉडीज़ तो यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ इम्योग्लोबिन्स कंटेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट ऑफ ब्लड सीरम प्रोटीन प्रोटीन बेस्ड ऑन एंटीजन एक्टिविटीज़ फाइव क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी आर रिकॉग्नाइज इम्योग्लोबिन जो वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ब्लड जो है वो उसमें रहता है सीरम रहता है प्रोटीन का ब्लड में और यहाँ पे पांच टाइप के इसका क्लासिफाइड किया गया तो देख लीजिए गामा अल्फा म्यू डेल्टा एप्सिलॉन तो इसका जो डिनोटेड है वो आप लोग याद कर लेना आई बेस जी और कैपिटल जी ऐसे ही आप लोग पढ़ना स्ट्रक्चर इच इम्योग्लोबिन इज ए ग्लाइक्रोप्रोटीन ईच मॉलिक्यूल्स कंजिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ पॉलिकेप्टेन्दर बाई डिस एसास बॉन्ड वन पेयर इज स्मॉल कॉल लाइट चेन इम्योग्लोबिन जो है वो दो मोलिक्यूल्स के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है तो वो जो और जो जैसे एक ही नाम से दो दो होते हैं तो उसके साथ जब वो जोड़ के रखते हैं जैसे यहाँ पे है एस एस तो सल्फर हो सकता है तो डाई सल्फाइड है तो वही सल्फर का दो भाग तो उसको डाई सल्फाइड बोला जाता है तो दो सल्फर का बॉन्ड के साथ वो बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन मतलब एक ही चीज़ है लेकिन वो चीज़ दो मात्रा में है और उसी के साथ जब वो चेन बनाता है तो उसको लाइट चेन बोला जाता है एंड अदर पेयर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन नोन एज हेवी चेन और जो दूसरे किसी नेम नेम के साथ बॉन्ड बनाता है जैसे एच टू हो तो दो एच और एक ओ तो अगर वो चेन बनाएगा तो उसको हेवी चेन बोला जाता है द टू चेन्स आर ज्वाइंट बाई वन बाई फाइव वन हाइफ एंड फाइव डिसल्फाइड बॉन्ड्स ईच चेन हैज़ कंस्टेंट पोर्शन एंड वेरिएबल पोर्शन सो फार अमीनो एसिड्स आर कंसर्ड इन द वेरिएबल पोर्शन एंटीजन बाइंड्स टू फॉर्म एंटीजन बॉडी कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे अमीनो एसिड जो है जब हम लोग अमीनो एसिड जो है वो चेन सब पे डालते हैं तो क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है ह्यूमिनिटी Is a physiological process in which the body is protected from the attack of any foreign body or their toxin by human activities. Uh, the antigen are destroyed or neutralized or even rejected, but these activities do not do any harm to cells and tissue. तो ये यह ये यहाँ पे जो बोला है कि इम्यूनिटी जब बढ़ता है तो जब एंटीबॉडी जो है वो जब डिस्ट्रॉय करते हैं एक्स्ट्रा इम्यूनिटी को तो उससे क्या होता है कि कोई सेल्स या टिश्यूज़ जो होते हैं हम लोगों के बॉडी में उसको हार्म नहीं पहुँचता है इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनिटी का इम्पॉर्टेंस टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द फोजन एंटीजन एंड देयर टॉक्सिन तो हम लोगों को बचाते फॉरिजन एंटीजन और उसके टॉक्सिन से टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी बाय कॉम्बैक्टिंग विथ फॉरिजन बॉडी और ये लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं मतलब इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं बढ़ने देते हैं या कम नहीं रहने देते हैं मेंटेन करके रखते हैं टू रिप्लेस द डैमेज सेल बाय फ्रेश सेल और जो डैमेज सेल हो जाते हैं जो सेल मर जाते हैं उसको क्या करते हैं उसकी जगह फ्रेश सेल फिर से ला देते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द म्यूटेंट सेल बाई अटैक ऑफ एंटीजन एंड टू डिस्ट्रॉय देम दस कीपिंग द बॉडी हेल्थी और जब हम लोग अटैक होता है एंटीजेन पर तो वो लोग क्या करते हैं सिर्फ एंटीजेन ही डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी में कहीं पर भी हार्मफुल कोई इफेक्ट्स नहीं होता है यूमिनिटी डिफिनेशन यूमिनिटी इज द इन बिल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज टू रेजिस्ट इनवेशन बाई फॉरिजीन सब्सटेंस है जैस वैक्टीरिया वायरस ट्यूमर सेल्स और ट्रांसप्लेटेड है तो डिफिनेशन इम्यूनिटी का क्या हो जो हम लोगों के बॉडी में बढ़ता है बैक्टीरिया वायरस से जो भी कुछ बढ़ता है जैसा ट्यूमर भी होता है कभी कभी किसी को तो वो सब जो होता है वो सब इम्यूनिटी में आते हैं इट इज़ द फिजियोलॉजिकल मेकनिज्म विच कैन डिटेक्ट एनी मटेरियल विच आर नॉन सेल्फ टू बॉडी एंड टू टेक मिजर टू एलिमेट देप यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म में बताया जाएगा तो आप लोग यहाँ पे मैकेनिज्म में देख लो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी ओके ये जो है ये डिफरेंस बिटवीन है तो ये आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा ये यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और यहाँ पे स्पेसिफिक इम्यूनिटी का बताया मतलब यहाँ पे जब इम्यूनिटी जब क्या होता है कि मतलब बनता है बॉडी में तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे बताया गया स्पेसिफ़िक इम्यूनिटी में बताया गया कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है ये चीज़ ओके एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स जो यूमिनिटी हम लोगों को लगता है वो यूमूनिटी कुछ ऐसे है एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल आर्टिफिशियल नेचुरल होता है जो खुद से होता है आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं नेचुरल में होता है पैसेव एक्टिव फॉर मदर टू फोकस वीआर प्लांटेटा जो मदर से हम लोगों की बॉडी में आते हैं एक्टिव क्लिनिकली डिस सब क्लिनिकली इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन होते हैं हम लोगों के बॉडी में वो आर्टिफिशियल में पैसिव एक्टिव वैक्सीन टॉक्साइड सीरम विथ एंटीबॉडीज तो वैक्सीन जो हम लोगों को दिया जाता है वो और सीरम विथ एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो हम लोगों को सीरम्स आते हैं जो हम लोगों के इम्यूनिटी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं वो हाउ ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे काम करता है देख लीजिए बैक्टीरिया बैक्टीरियल प्लस एंटीबॉडी बैक्टीरिया में एंटीबॉडी को ऐड करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी प्लस प्लाज्मा प्रोटीन टू किल बैक्टीरिया तो एंटीजन एंटीबॉडी बन जाता है कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा प्रोटीन तो हम लोगों के बॉडी में ही रहता है तो उससे क्या होता है ये दोनों को जब मिक्स हो जाता है तो ये दोनों से मिक्स करके जो बैक्टीरिया और बैक्टेरिया है वो डायरेक्टली मर जाता है uh, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसका बारे में लिखा हुआ है सरफेस प्रोटीन एंटीजन सरफेस प्रोटीन एंटीजन इन वेरिएबल सेक्शन ऑफ आई जी जी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सेल मेडिएट इम्यूनिटी का मतलब है कि ये इसमें टी सेल्स और बी सेल्स का आ, आ, हम लोग को पाया जाएगा प्रोड्यूस होता है और मतलब इसका सेप होता है टी सेल्स और बी सेल्स के जैसा सेप होता है वैसा सेप होता है देयर ओरिजिन फॉलोज यहाँ पे उसका ओरिजिन को फॉलो किया गया बोन मैरो यहाँ पे मैरो नहीं होगा नैरो होगा तो जो जब बोन जो है वो पतला होने लगता है तो उसको हम लोग रेड ब्लड सेल के साथ रिएक्ट करते हैं तब हम लोग को वाइट ब्लड सेल मिलता है और उससे मैक्रोफेज टी सेल्स बी सेल्स जो है वो बनता है और इसी सब को हम लोग लाइम्फोसाइट्स बोलते हैं टी सेल्स आफ्टर डेवलप्डमेंट्स फ्राम लाइफो एंड स्ट्रीम सेल्स दे माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड वेयर दे नेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमो सीन फ्रॉम थाइमस दे माइग्रेट टू लाइफोनोट्स एंड नाउ नोन एज लाइफोनो ब्लास्ट तो टी सेल जो है वो थाइमस ग्लैंड में बढ़ते हैं और वहाँ पर बढ़ने के बाद क्या होता है कि थाइमस जो है वो धीरे धीरे बढ़ कर के लाइफो नोट्स uh, में चेंज हो जाते हैं और इसी को हम लोग लाइम्फोब्लास्ट भी बोलते हैं टाइप्स ऑफ टी लाइम्फोसाइट्स टी लाइम्फोसाइट्स जो है उसके दो टाइप्स होते हैं हेल्पर टी सेल्स सपरेसर टी सेल्स तो यहाँ पे वो दोनों का डिफिनेशन दिया हुआ है हेल्प बी लाइमफोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और ये बी लाइफोसाइट्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टी सेल्स को हेल्प टी uh, सेल का फंक्शन में uh, एक सप्रेश uh, मतलब प्रेशर देता है और बी लाइम्फोसाइट्स में मतलब टी सेल्स और बी लाइम्फोसाइट्स में ये एक प्रेशर दे करके के उनको चेंज करने का कोशिश करता है बी सेल्स आफ्टर डेवलपिंग फ्रॉम हेमियो हेमोपोएस्टिक Steam cells they mature in the lymph gland of intestine. from there. There they cluster in the lymph nodes and come out into blood during an attack of antigen. The name B bee has been taken from bursa, fabricus and human gland of chicken. तो ना जब हम लोगों के बॉडी में एंटीजन जब ज़्यादा हो जाता है और वो जब हम लोग के ब्लड पे अटैक करता है तब क्या होता है कि हम लोगों का बॉडी बी सेल जो है उसके थ्रू उसको रोक करके रखता है तो जो बी सेल है उसका नाम कहाँ से आया था वर्सा फैब्रिकस एंड ह्यूमन ग्लैंड ऑफ चिकन ठीक है और जो चिकन पॉक्स होता है ना कुछ इसी कारण से होता है फंक्संस दे डेवलप स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट एन एंटीजन ये जो है इम्यूनिटी को बनाता है और एंटीजन के ऑपोजिट में लड़ाई करने के लिए मतलब वेन बी वी सेल आर एस्टिमुलेटेड दे इन लास्ट टू बिकम प्लाज्मा सेल एंड मल्टीप्लाई टू फॉर्म ग्रुप्स और ये क्या होता है कि प्लाज्मा सेल से इसको हम लोग क्या करते हैं एस्टिमुलेट किया जाता है मतलब मिलाया जाता है और ये क्या करता है मल्टीपल मतलब बहुत सारे टाइप्स के ग्रुप बना देते हैं और क्लोन्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू एक्ट अगेंस्ट द एंटीजन और एंटीबॉडीज भी बना देते हैं जो एंटीजन के अपोजिट अगेंस्ट में मतलब लड़ते हैं स्पेशल सेल्स किलर सेल्स they are produced from spleen or lymph nodes they migrate through the body and get attached to any cells carrying antigen they inject ly uh, lysosomal enzymes to kill that antigen they release a factor that converts normal t cell into killer t cell तो यहाँ पे मैंने जो पहले इसका ऑलरेडी पहले बोल चुका है मैंने कि एंटीजन को रोकने के लिए क्या होता है कि एंटीबॉडी बनाया जाता है और एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी एंटीजन प्लस प्लाज्मा प्रोटीन को ऐड करके क्या किया जाता है एक किल बैक्टीरिया डायरेक्टली हो जाता है और उससे डायरेक्ट जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं वो एंटी जेन के वो डेड हो जाते हैं नेचुरल किलर से नेचुरल कैसा होता है दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसरियस सेल्स आउट राइट बाई सियटिंग इंटरक्यूलर दे और जब सिक्रिएशन होता है मतलब जैसे डाइजेस्टिव होने के बाद एक्सटर्नल uh, uh, हो जाता है ना वैसे ही जब वायरस जो होते है होते हैं ना उसको भी क्या किया जाता है इंटरनल में उसके ऊपर इफेक्ट किया जाता है और उससे क्या होता है जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं या वायरस के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं मैक्रोफेज दे आर लार्ज सेल्स एंड इन गल्फ फोरिजियन बॉडीज बाई फेजोसाइसाइटोसिस दे आर फॉर्म्ड इन द रेटिकुलर इंडोथेली सिस्टम एंड बाई हेम्योपैथिक सिस्टम तो माइ मैक्रोफेज जो है वो क्या होता है वो सबसे बड़ा सेल्स है हम लोगों के बॉडी में और उसी के थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं हम लोगों की बॉडी में वो बनते हैं उसमें ही बनते हैं मतलब और उसमें ही रिएक्शन होता है या कुछ भी जो अटैक होता है एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी जब करता है तो ये सब मैक्रोफेजेस में मिला जाता है सेल मेडिएटेड ह्यूमन रिस्पॉन्स सेल मेडिएटेड ह्यूमन रिस्पॉन्स जो यहाँ पर दो टाइप्स के हैं यहाँ पर दिया हुआ है देख लीजिए इमेज में सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस ह्यूमन ह्यूमन रिस्पॉन्स तो यहाँ पे आप लोग ये खुद से कर लेना क्योंकि यहाँ पे एरो दे के समझा दिया गया है कि कौन सा चीज़ कैसे हो रहा है पहले शिक्रिएसन फिर इंटरलूक इन वन फिर उसके ऊपर टी सेल जो है वो इंड्यूस कर रहा है मतलब उसके पे लग रहा है तो उससे क्या हो जा रहा है अटैक बाय माइक्रोफेजेस हो जा रहा है ये सब आप लोग को खुद पढ़ना पड़ेगा एंटीजेन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन इन एंटीजन मेनी एंटीजेंस प्लेसेस मे बी फाउंड एंड वन और मोर देन एंटीजेंस में अटैच विथ वन एंटीबॉडी एंड बाय एनी वन ऑफ़ द फॉलोइंग मेथड एंटीजेंट आर डिस्ट्रॉयड दिया एंटीजन को कैसे डिस्ट्रॉयड किया जाता है यहाँ पर छः टाइप्स बोल दिए गए हैं आइए पढ़ते हैं एगुलेश एगुलटिनेशन इन दिस प्रोसेस वन एंटीबॉडी मोलिकुल में ज्वाइन विद मेनी एंटीजन बाय प्रोसेस नोन एज एंटुलेशन एंड दे डिस्ट्रॉय बाय मैक्रोफेज। यहाँ पे बोला गया कि एक एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ जाकर के जुड़ जाता है और उससे क्या होता है एंटीजन uh, uh, जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देते हैं पेरिस्पिटेशन बांटीजे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पेरिस्पेटेड एंड बिकम्स फंक्शनलेस तो जब हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्शन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो पेरिस्पेटेड रहता है मतलब वो उड़ जाता है तो वो जो होता है वो फंक्सनिज होता है उसमें कोई काम नहीं होता है न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी सराउंड्स द टॉक्सिन सेक्रेटिंग एरिया ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक्स इट फंक्शन लेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन एंटीबॉडी जो है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया की साइड साइड से उसको घेर लेता है और उसको कोई काम करने नहीं देता इस वजह से वो फंसल नहीं सो जाता है और उसका जो इफेक्ट्स होता है वो खत्म हो जाता है लाइसिस इन दिस प्रोसेस स्ट्रांग एंटीबॉडी मेक्स लाइटिक एक्शन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया एंड किल्स इट लाइसिस में क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है वो एक एक्शन मतलब प्लाज्मा मेम्बर में काम करना स्टार्ट करता है उस वजह से क्या होता है बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है ओपोनिस द एंटीबॉडी दैट स्टिमुलेट फेजो से आई क्टोसिस बाय डायरेक्ट इन्वेंशन इज नोन एज ऑपरोनिंग स्ट्रीप्यूटिस हैज एम प्रोटीन इन कैप्सुल सर्फेस वेन एंटीबॉडी रिएक्शन विद एम प्रोटीन टेक प्लेस डेस्ट्रो जब एंटीबॉडी जो वो एम प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है उसको कैप्सुल सर्फेस भी बोला जाता है मतलब उसके अंदर वो रहता है और उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रीपोटोस पेनोमोनिए तो इसके साथ जब वो रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन इन दिस रिएक्शन अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज इज इन्वॉल्व दिस प्रोटीन रिएक्ट इन कैसेडिंग सीरीज ऑफ रिएक्शन दिस सिस्टम इज एक्साइटेटेड आई जी एम और आई जी जी कंप्लीमेंट्स वर्क विथ एंटीबॉडीज टू कॉज ऑपरोनिसेशन केमोटेक्सिस एंड लाइसिस ऑफ बैक्टेरियल सेल्स तो क्या होता है ना आई जी एम और आई जी जी की वजह से जो काम होता है ना सिस्टम में उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टेरियल सेल्स जो है वो एंटीबॉडी से जाकर के झूल जाते हैं और आपको पता ही है कि एंटीबॉडी से जब कोई सेल्स जुड़ेगा तो वो डिस्ट्रॉय ही होगा Now this part a is completed uh, in the next video we will study about concept of vaccination and all the questions answer and your homework related to this part a means immunity uh, and human disease. We will send all the questions answer and your homework related to this part in your whatsapp. Thank you.